हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अभी आरजीपीवी का इवेंट सेमेस्टर चल रहा है और कुछ सेमेस्टर्स बीई बीटेक बी फार्मेसी जैसे कि 8th सेम और 6th सेम के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है 4th सेमेस्टर की। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट जो कि 6th सेमेस्टर के हैं और 8th सेमेस्टर के हैं कमेंट कर रहे थे कि कॉपी चेक कैसे होती है, खासकर 8th सेमेस्टर वाले, क्योंकि यार 8th के बाद उनका बीटेक बी फार्मेसी कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है, कभी कभी टफ एग्ज़ाम आता है। तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई कॉपी चेक कैसे होगी, डीपली या फिर लाइटली, क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, अगर बैक लगती है तो फिर 6 महीने तक डिग्री भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा 8th सेम की मार्कशीट भी कुछ काम की नहीं रहेगी, मतलब कि जो डिजिटल लॉकर में आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब तक बैक क्लियर नहीं होगा। और बैक का एग्ज़ाम आफ्टर 6 मंथ होगा, मतलब कि बैक एग्ज़ाम होगा उसके बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो समथिंग 1 से 1.5 साल लग जाएगा उनको डिग्री प्राप्त करते करते। और 1 साल बहुत होता है आफ्टर वीटेक 8th सेमेस्टर आपके लिए कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ती है या फिर प्लेसमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है अगर बैक क्लियर नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे यही डिस्कस कर रहे होंगे कि 8th सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में कॉपी चेक कैसे होती है, डीपली या फिर लाइटली। साथ के साथ जो मिड सेमेस्टर्स वगैरह रहते हैं उसमें क्या कैसा सीन रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर 8th सेमेस्टर की, लास्ट ईयर की, लास्ट सेमेस्टर की कॉपी चेक कैसे होगी, डीपली या फिर लाइटली, तो भाई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि लास्ट सेमेस्टर रहता है 8th सेमेस्टर, या फिर डिप्लोमा की बात करें तो उसमें भी जो 6th सेम रहता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी कॉपी चेक कैसे होती है। तो भाई आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा डीपली तो नहीं होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा लाइटली भी नहीं होती है। मतलब कि जैसा कि आपका 4th सेमेस्टर है, 6th है, 2nd है, उसके कंपेयर में आपकी कॉपी चेक थोड़ा लाइटली होती है ऊपर, जिससे कि आपको बैक ना लग पाए। क्योंकि दोस्तों, आरजीपीवी को लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर जो कि 8th सेमेस्टर है उसका फेल पास का रेशियो ऊपर पहुंचाना पड़ता है, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितना एवरेज गया है, कैसा क्या हुआ है, सब आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को दिल्ली AICTE पहुंचाना पड़ता है, जिससे कि रेटिंग होती है, रैंकिंग टाइप की मिलती है। और जिस भी यूनिवर्सिटी से अच्छे ग्रेड करके बच्चे निकलते हैं तो उस यूनिवर्सिटी को स्थान टाइप का दिया जाता है, मतलब कि ग्रेडिंग टाइप की दी जाती है, जिससे कि दोस्तों आरजीपीवी को मेनली 8th सेमेस्टर वालों की कॉपी लाइटली चेक करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी लिख के आ जाओ तो आपको पास कर देंगे, रिलेटेड लिखते हैं या फिर थोड़ा हट के लिखते हैं तो चांसेस यही रहता है कि आपको एटलीस्ट डी ग्रेड देकर पास कर दें। इसमें आपको हैज भी नहीं लगाते, मतलब ग्रेस विदाउट ग्रेस के 3 सब्जेक्ट में आपको धीमे से पास कर देते हैं, चाहे फिर वो आपकी CGPA डाउन क्यों ना चली जाए। फोकस यही रहता है कि बंदा पास हो जाए, नहीं तो फिर उसको 1 से 1.5 साल परेशान होना पड़ता है डिग्री में, बैक एग्ज़ाम में, बैक रिजल्ट में, और पता चला बैक में बैक आ गई तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, रीज़न ये है कि लाइटली कॉपी चेक होती है, डीपली नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, या फिर बोल सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर में है, तो दोस्तों चिंता ना करें, आपकी कॉपी ऊपर चेक होगी। अगर आपने अच्छा लिखा है तो फिर ग्रेड भी आपको अच्छा ही मिलेगा, बी या फिर सी मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर 6th सेमेस्टर वालों की, तो भाई आपकी कॉपी चेक वैसे ही होगी जैसी होती है, डीपली तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन लाइटली भी नहीं बोल सकते हैं, जैसा 4th में हुई थी, 5th में हुई थी, ठीक ऐसा ही। आपको कोई ज़्यादा विशेष छूट नहीं दी जाती है, वैसे 8th वालों को भी नहीं दी जाती है, लेकिन जो मैंने आपको रीज़न बताया है वो रीज़न पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।